नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा और इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में। ये वो ट्रेनिंग स्कूल है जहां पर लोगों को गाड़ियों के बारे में सिखाया जाता है कि लोग गाड़ियां कैसे चला सकते हैं, क्योंकि आज के दौर में हर कोई जो है वो गाड़ी चलाना सीखना चाहता है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो। हर किसी के अंदर ये ललक होती है कि उन्हें गाड़ी चलाना आना चाहिए जैसे लोग सड़कों पर गाड़ियाँ चलाते हैं। और इसी को लेकर के इस स्कूल में लंबे समय से लोग आते हैं और यहाँ पर ड्राइविंग सीख करके सड़कों पर गाड़ियाँ दौड़ाते हैं। और कहीं ना कहीं ये स्कूल जो है वो लंबे समय से यहाँ के राजधानी रांची की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ के रहने वाले लोगों को ट्रेनिंग इस स्कूल की तरफ से दी जाती है और लोगों को बताया जाता है कि कैसे आप सड़कों पर खुद की सुरक्षा के साथ दूसरों की सुरक्षा को देखते हुए गाड़ियाँ चला सकते हैं। तो चलिए फिर यहाँ के ही स्टूडेंट्स के साथ और यहाँ के ट्रेनर के साथ हम लोग निकलते हैं सड़कों पर और जानते हैं कि कैसे यहाँ के बच्चों को गाड़ी चलाना सिखाया जाता है। तो इस वक्त मैं क्लास के अंदर में मौजूद हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ मौजूद जो लोग आए हुए हैं राजधानी मोटर ट्रेनिंग स्कूल में क्लासेस लेने के लिए, उन लोगों को समझाया जा रहा है कि गाड़ी की जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसकी जानकारी होना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो इन तस्वीरों को भी आप देख करके समझ सकते हैं, चूँकि जब लोगों को गाड़ी के बारे में सिखाया जाता है तो सड़कों पर तो प्रैक्टिस कराई ही जाती है, लेकिन जो गाड़ियों के नॉलेज होते हैं, डीप नॉलेज होते हैं, उसे क्लास के माध्यम से दी जाती है। इस वक्त अनिल जी से हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गाड़ी एक ऐसी चीज़ है जब लोग सड़कों पर लेकर निकलते हैं तो अपने से ज़्यादा दूसरों की चिंता हो जाती है, तो ये एक कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कैसे आप लोगों को सिखाते हैं? जी, जब गाड़ी आप लेकर के निकलते हैं तो दूसरों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार लोग क्या करते हैं कि पीछे वाले गाड़ियों को ओवरटेक नहीं होने देते हैं, तो वहाँ पर आपको ओवरटेक भी देना है। एम्बुलेंस हो या VIP व्हीकल हो या फिर फायर ब्रिगेड हो, वहाँ पर आपको सारे लोगों का ध्यान रखना है। और इसके अलावा दूसरों का ध्यान रखना है कि भाई पीछे वाले को कोई डिस्टर्बेंस ना हो गाड़ी चलाते वक्त। कई बार लोग गाड़ी चलाते हैं, सडनली राइट टर्न कर जाते हैं। बेसिकली जो गाड़ियाँ होती है, जब जो लोग गाड़ी चलाते हैं वो दूसरी गाड़ियों के इशारे को समझते हैं और जो गाड़ी चला रहे हैं वो भी दूसरी गाड़ियों को इशारा देते हैं, तो क्या उसके बारे में यहाँ के स्टूडेंट्स को आपने बता दिया है जो क्लासेस इस वक्त आप ले रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारा एक सेशन चलता है जिसमें ड्राइवर्स हैंड सिग्नल्स है, रोड साइन है, रोड मार्किंग्स है, ये सारे चीज़ों को सिखाया जाता है। जिसमें ड्राइवर्स हैंड सिग्नल जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है, पीछे वाले गाड़ियों को ये बताना कि आप राइट टर्न कब करने वाले हैं, लेफ़्ट टर्न कब करना चाहते हैं या कब रोकना चाहते हैं गाड़ी को, तो ये सारे चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है। कब से ये क्लास आप लोग चला रहे हैं, कितने सालों से चला रहे हैं, कितने लोगों ने अब तक यहाँ से ट्रेनिंग लेकर के वो सीख चुके हैं और गाड़ियाँ सड़कों पर दौड़ा भी रहे हैं? ये अप्रॉक्स 10 ईयर्स, मोर देन 10 ईयर्स हो चुका है। 2009 से यह चल रहा है हमारा, तो काफ़ी लोग सीख चुके हैं यहाँ से। 10,000 से भी ज़्यादा लोग ट्रेंड हो चुके हैं, गाड़ी चला रहे हैं, काफ़ी कुछ लोग तो फॉरेन कंट्री में भी यहाँ से ड्राइव कर रहे हैं सीखने के बाद। रोड सेफ्टी को लेकर के जो हमारा जो सिलेबस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट CMB रूल्स 1989 के अकॉर्डिंग हम लोग सिखाते हैं, जिसमें MSM PSL रूटीन यानी ओवरटेक करने के लिए क्या रूल्स फॉलो करना है, कब राइट टर्न करना चाहिए, लेफ्ट टर्न करना चाहिए, यू टर्न करना चाहिए, क्या रूल्स फॉलो करना है। इसके अलावा लाइट सिग्नल्स जो आप देखते हैं जैसे एम्बर, ग्रीन और रेड, ये सब आपको कब कैसे फॉलो करना है। इसके अलावा इसमें ड्राइवर्स हैंड सिग्नल्स क्या है, 5 टाइप्स ऑफ हैंड सिग्नल्स होते हैं, ये सारा चीज़ सिखाया जाता है। रोड साइन, रोड मार्किंग, ये सब सिखाया जाता है। रोड साइन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गाड़ी का, गाड़ी चलाते हुए अगर आप रोड साइन इग्नोर कर रहे हैं तो एक्सीडेंट हो सकता है। इसके अलावा फ़ाइन भी कट जाता है कई बार, तो इन सब चीज़ों का पूरा डिटेल नॉलेज हम लोग देते हैं। उसका एक अलग से सेशन होता है हमारा 1 घंटे का, एवरी सैटरडे। 3 सैटरडेज हमारा टोटल जो थ्योरेटिकल क्लास है वो चलता है, जिसमें रोड सेफ्टी भी होता है, कार मेंटेनेंस भी होता है। दिन के समय में गाड़ी चलाना थोड़ा इजी होता है, लेकिन अगर आप रात में गाड़ी चलाते हैं और हाईवे पे जब जाते हैं तो वहाँ पे जब गाड़ियों को ओवरटेक करना होता है तो हॉर्न देके बहुत लोग कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे लाइट का जो सिग्नल देके सामने वाली गाड़ी को बताया जाता है कि हम ओवरटेक करना चाहते हैं, उसके लिए लेकर के आप लोग क्या जानकारी देते हैं, कैसे देते हैं? जी एक्चुअली रात में जब आप किसी गाड़ी को ओवरटेक करना चाहते हैं तो वहाँ पे लाइट्स का ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि रात के टाइम पे लोगों को साउंड पोल्यूशन क्रिएट ना हो सड़क पे, एक तो ये है, और लाइट से रात को ज़्यादा क्लियर
समझ में भी आता है। तो रात में जब आप लाइट का यूज़ करते हैं तो कैसे करना है, जब मान लीजिए कोई गाड़ी से आप ओवरटेक कर रहे हैं तो आप लाइट को ब्लिंक करते हैं, है ना, वो आपका जो लीवर होता है हेडलैम्प का उसको आपको अपने तरफ पुश करना है 5-6 बार, ऑटोमेटिक आपका हेडलैम्प ब्लिंक करेगा, सामने वाला गाड़ी समझ जाएगा आप ओवरटेक लेना चाहते हैं, तो फिर वो अपने हिसाब से वो जगह देख के ओवरटेक दे सकता है। और इसके अलावा आपको रात में लो बीम का इस्तेमाल तब करना है जब कोई अपोजिट डायरेक्शन से कोई गाड़ी आ रही है अपोजिट से, तो वहाँ पे अगर 200 मीटर के रेडियस में अगर कोई गाड़ी आ गया अपोजिट वाले गाड़ी, तो वहाँ पे आपको तुरंत लो बीम कर देना चाहिए। हाईवे में जब आप चलते हैं तो हाई बीम में चलिए, स्ट्रीट में आप सिटी में चल रहे हैं तो लो बीम में चलिए। और ये CMB रूल्स भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स भी है कि अगर आप स्ट्रीट पे सिटी पे चल रहे हैं तो आपको लो बीम में ही चलना चाहिए, हाई बीम में नहीं चलना चाहिए, उससे दूसरे लोगों को भी परेशानी होती है। आप जी जो क्लासेस देते हैं इसमें बस सुबह के समय में ही सिखाते हैं या रात की भी ट्रेनिंग होती है? नहीं, नाइट ट्रेनिंग हम लोग नहीं देते हैं, बट हम लोग स्मार्ट क्लास के अंदर ये बता देते हैं कि रात को कैसे ड्राइव करना चाहिए, किन किन चीज़ों का किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लाइट्स जो आप यूज़ करते हैं, हेडलैम्प, लो बीम, हाई बीम कैसे यूज़ करना, ये सारा चीज़ सिखा देते हैं। तो राजधानी मोटर ट्रेनिंग सेंटर में हर तरीके के और हर तबके के लोग यहाँ मौजूद हैं। यहाँ इस वक्त एक महिला है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, चूँकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, अगर लोग सीखने की इच्छा रखते हैं तो वो किसी भी उम्र में किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं। अच्छा लग रहा है मैम को देख करके कि मैम इस उम्र में भी सीखने की ललक से यहाँ पहुँची हुई है। अब तक आपने गाड़ी में क्या कुछ चलाना सीखा है? अब तक सीखने के लिए मैम जस्ट हमने अभी गाड़ी को सड़क पे ले करके आ करके थोड़ा सा एक्सीलेटर वगैरह दे करके ये किए हैं, अभी इंडिपेंडेंटली नहीं चला सकते हैं, मेरा चौथा दिन है। अच्छा, ठीक है ना। हाँ, तो गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप कौन से पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं? स्टार्ट करने के लिए हम लोग सबसे पहले गाड़ी को सबसे पहले हम लोग जो उसका मिरर वगैरह है, सीट बेल्ट है और सीट का एडजस्टमेंट है वो कर लेते हैं। उसके बाद में जो ब्रेक है व्हील के लिए जो हम लोग स्टॉपर लगाते हैं उसको हटाते हैं, उसके बाद में हम लोग जा कर के गाड़ी को ऑन करते हैं, है ना। उसके तो अभी आप एक दिन भी सड़क पर लेके निकली हैं गाड़ी? निकले हैं, लेकिन जो हमारे असिस्टेंट ड्राइवर है। हाँ हाँ, स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले न्यूट्रल चेक करेंगे जी, और क्लच को दबा के स्टार्ट करेंगे। चलिए। हाँ, ये और हैंड ब्रेक को फिर नीचे करेंगे एंड देन उसके बाद फिर एक नंबर लगा के धीरे धीरे क्लच उठा के गाड़ी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर तरीके के लोग मौजूद हैं, चूँकि अभी हम इनके साथ गाड़ियों में भी जाएंगे और इनसे देखने की कोशिश करेंगे कि ये कितनी अपनी ट्रेनिंग को पूरी कर चुके हैं और इन्हें कितनी जानकारी हो चुकी है गाड़ी चलाने की। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और हम फिर आगे आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारियों से रूबरू कराते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त रंजीत कुमार मौजूद हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। रंजीत जी, कौन कौन सी गाड़ियां हैं आपके पास जिसका इस्तेमाल आप लोगों को सिखाने के लिए करते हैं? हमारे पास i10 है, क्विड है, स्विफ्ट डिजायर है और टाटा नेक्सॉन। कौन सी गाड़ी का सबसे ज़्यादा आप लोग इस्तेमाल करते हैं जिससे छात्र जो है वो इजीली गाड़ी को चलाना सीख लेते हैं? सारी गाड़ियां हमारी इस्तेमाल होती है रेगुलरली। चलिए तो फिर हम चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ के बच्चों को कैसे ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस वक्त हम गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं और यहाँ पे जो ट्रेनर है वो भी मौजूद हैं और साथ ही जो स्टूडेंट है वो भी मौजूद हैं। हम इनके साथ जो है वो इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं और देखने की हमारी यही कोशिश होगी कि यहाँ के स्टूडेंट्स जो है वो गाड़ियाँ कितनी अच्छी तरीके से चलाते हैं। एक महत्वपूर्ण बात मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि जब भी आप ड्राइविंग स्कूल से आके क्लासेस करते हैं तो इसकी खासियत ये है सीखने की कि जो ट्रेनर होते हैं उनके पास भी एक ब्रेक का कमांड होता है। अगर जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी तरीके से गाड़ियाँ नहीं चला पाते हैं सड़कों पर और वो चूँकि कई सारे प्रोसेस होते हैं, क्लच होता है, एक्सीलेटर होता है, ब्रेक होता है और लोग इसमें जब वो नए होते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसे में जो ट्रेनर होते हैं वो अपने तरफ से कमांड को जो है वो संभाल लेते हैं और जब ब्रेक लगाना होता है और जब छात्र भूल जाते हैं तो वो ब्रेक लगाते हैं। कुछ ऐसा ही करते हैं आप लोग? हाँ हाँ मैम, मेन होता क्या है ना, सबसे पहले जो नया ट्रेनर होता है इधर घूम जाइएगा, मास्क लगाकर। अच्छा, आप गाड़ी चला सकते हैं? ओके। नहीं नहीं, एक्चुअली जो अभी एक्चुअली जब तक हम इंस्ट्रक्ट नहीं देंगे तब तक गाड़ी नहीं चलाना है ना, मेन तो हम लोग इंस्ट्रक्टर हम लोग मतलब सिखाते गाड़ी को जो है किस तरह चलाना है, इसलिए जब तक हम लोग नहीं उसको बोलेंगे चलाने के लिए तो आगे नहीं जाएगा वो, है ना, इसलिए हम लोग जब तक इंस्ट्रक्ट नहीं करना तो आगे नहीं बढ़ेगा वो। अच्छा, कई लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कि घर पे ही गाड़ी सीख ले, स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं सर, उसके लिए मैं बोलना चाहूँगा मैम कि देखिए ये एक जो हम लोग
गाड़ी सिखाते हैं यहाँ पे हम लोग ए से लेकर जेड तक सिखाते हैं ठीक। इसमें क्या होता है कि हम लोग पूरा शुरू से लेकर अंत तक सिखाते हैं। इसमें क्या होगा बेसिक चीज़ और जो रोड पर चलना है किस तरह से है, क्योंकि रोड में बहुत सारा भीड़ भाड़ है, लोगों को देखना है, गाड़ी को देखना है, आपको किस तरह से सबको बचाते हुए अपने आप को सेफ ड्राइविंग करना है, वह चीज़ हम लोग सभी को बताते हैं हम लोग। तो इसलिए यहाँ पे एक ध्यान आकृष्ट मैं दर्शकों का एक बार फिर से कराना चाहूँगी, क्योंकि मैंने एक बार फिर से कराया था कि कई लोग हैं जो घर में ही चाहते हैं कि गाड़ियाँ सीख जाए चूँकि पैसे की बचत हो जाए, लेकिन यहाँ पे खासियत ये है कि जो लोग गाड़ी सीख रहे हैं उनकी भी सेफ्टी रहती है और जो सिखाते हैं उनकी भी सेफ्टी रहती है, चूँकि दोनों तरफ जो है वो कमांड होते हैं ब्रेक को लेकर के। तो चलिए फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर इन्हें कोई समस्या आती है गाड़ी चलाने में और इन्हें ब्रेक लेना होता है और ये नहीं ले पाते हैं तो जो साथ में जो ट्रेनिंग देने के लिए लोग बैठे होते हैं उनकी तरफ से गाड़ियों को रोक दिया जाता है और किसी भी तरह की दुर्घटना जो है इस दौरान नहीं होती है, क्योंकि कमांड जो है वो दोनों के पास ही होता है। तो आप देख सकते हैं कि सेफ्टी के साथ हम भी इस वक्त राजधानी रांची की सड़कों पर निकल चुके हैं राजधानी ड्राइविंग स्कूल की तरफ से, और आपको बता दें कि राजधानी मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल जो है वो यहाँ के छात्रों को, राजधानी रांची के छात्रों को ट्रेनिंग देता है गाड़ी चलाने की, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से छात्रों को ट्रेनिंग दी जा रही है। जो सड़क पर दूसरी गाड़ियां चल रही हैं उनकी सुरक्षा के साथ साथ जो स्टूडेंट सीख रहे हैं उनकी सुरक्षा किस तरीके से बनी रहे इसका पूरा ध्यान जो है वो स्कूल की तरफ से दिया जाता है। तो सेफ ड्राइविंग के साथ हम इस वक्त वापस से जो है वो स्कूल के पास पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं जो यहाँ पे स्टूडेंट हैं और जो उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं वो उन्हें बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें गाड़ी को यहाँ रोकना है और दूसरी गाड़ियों को कोई समस्या ना हो, पार्किंग की कोई समस्या ना हो, इसको लेकर के हर तरीके की जानकारी यहाँ दी जा रही है। एक बार मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगी। एक बार आप इधर घूम जाइएगा, आपने गाड़ी रोक ली है? हाँ जी। जब आप सड़कों पर निकलते हैं तो क्या किसी तरह का कोई डर भी रहता है? डर रहता है, आपने मतलब गाड़ी सेफली चलानी है, बट अगर आप ड्राइविंग क्लासेस में अगर आप अच्छे से सीखते हो तो आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता है, आपका डर खत्म हो जाता है, तो ये बेनिफिट मुझे मिला पर्सनली। हर दिन कुछ ना कुछ सीखने मिलता है? बिल्कुल, ड्राइविंग में आपको हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अभी और कितने दिनों की ट्रेनिंग है आपकी? वैसे मेरी ट्रेनिंग खत्म हो गई है, बट फाइनल अभी मेरा है, एक दो दिन का फाइनल है, तो मैं उसके लिए कम्प्लीट करूँगा। देन एक अच्छा फीडबैक भी मुझे मेंटर्स की ओर से मिला। चलिए, तो यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी एक्साइटेड हैं और काफ़ी कुछ सीख भी रहे हैं, क्योंकि गाड़ियाँ चलाने की वजह से कॉन्फिडेंस जो है वो इनमें लगातार जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये राजधानी ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहाँ से आप आ करके ड्राइविंग सीख सकते हैं और यहाँ से सीखी हुई ड्राइविंग को आप ले जा करके कहीं भी गाड़ियाँ चलाएँगे आपको कोई समस्या नहीं हो पाएगी, क्योंकि स्कूल्स में जो ट्रेनिंग दी जाती है और जो सीख दी जाती है कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो लोग भी गाड़ी चलाने के शौकीन हैं उनके लिए एक फ़ायदा ये हो जाता है कि आने वाले समय में उन्हें गाड़ियां चलाना अच्छी तरीके से आ जाता है और उन्हें किसी तरह का कोई डर नहीं रहता है। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, बने रहे लगातार.in के साथ।